बताए मुझे, उस ड्रिंक में तुमने कुछ मिला दिया था जिसकी वजह से मैं बेहोश हूं? मेरी बेहोशी का तुमने फायदा उठाया आनिया। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, और आज के बाद आनिया गलती से भी मुझे कभी कॉल मत करना। देखा जो तुमको एहसास हुआ, तुमसे है कोई रिश्ता दिल का, तुम बस मेरे लगे हो आँखों में, तुम ही हो और तेरी ये इश्क है या कोई जादू। या अल्लाह, कहाँ हो गया तेरे, कॉल भी अटेंड नहीं कर रहे। ये मैं क्या सोच रही हूँ? हम सा गया सासों का सिलसिला, लिख फिर से नसीबा तू मेरा। तंजीला की इस वक्त कौन? हेलो, आते हो तुम्हारे पास तो तुम्हें मेरी बातों पर यकीन आ ही गया। मुझे तुमसे कोई फजूल बहस नहीं करनी, जब पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। क्या आते हो तुम्हारे पास हैं? अगर मैं कहूँ हाँ, आते मेरे साथ, मेरे पास है और। हेलो हेलो, फोन काटती। झूठ बर्दाश्त नहीं हुआ ना तंजीला तुमसे, तो सोचो जब तुम्हें हकीकत का मालूम होगा तो क्या हाल होगा तुम्हारा। एक रात की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो पाई तो सोचो अगर मैंने आतिर को हमेशा हमेशा के लिए तुमसे छीन लिया तो क्या होगा तुम्हारा। बस यही देखने के लिए मैं बेकरार हूं। नहीं नहीं, आनिया झूठ बोल रही है, आते उसके साथ नहीं हो सकते। कहाँ हो गया आते? देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा। Thank you.
ये कुछ एडवांस पेमेंट का चेक है, बाकी अमाउंट उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, थैंक यू। ये एडवांस रख लो। मेरी बेटी की जमानत तो हो जाएगी ना? हाँ हाँ, जरूर हो जाएगी। बल्कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी मुलाकात वकील से करा दूँ। नहीं नहीं, वकील से मैं भला क्यों मिलूं? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मुझे यकीन है तुम मेरी बेटी को जरूर रिहा करवाओगे। हाँ हाँ, मैं भी तुम्हारे भरोसे पर पूरा उतरूंगा। कहाँ थे आप? आते मैं आपसे पूछ, आप सारी रात कहाँ थे? और अब जब आए हैं तो रूम में आने के बजाय स्टडी रूम में आ गए। ऐसा क्या है कि आप मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहे? मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में था। उसी मीटिंग में जहां कल रात आप अपना ये कोड बुलाए थे? ये कोड कुछ कहने की जरूरत नहीं यहाँ पे, क्योंकि इस कोड से आने वाली महक ने सब सवालों के जवाब दे दिए। क्योंकि आपने आते रहे क्यों? ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में जो आपने मेरा भरोसा मेरा मन सब तोड़ दिया? मैं शायद अभी यकीन न करती, लेकिन आनिया ने मुझे खुद बताया कल रात आप उसके साथ थे, उसके घर। मेरा भरोसा मेरा मान तोड़ दिया थे आपने। फिर भूल गए हम सब वो बसे से करे या कोई गिला, जो होना था हो के रहा।
आनिया, आनिया, सहनसीब वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते। बकवास बंद करो, मैं यहाँ तुम्हारी फजूल बकवास सुनने नहीं आया। मैं ठीक है, मेरे साथ नाश्ता कर ले, मैं अभी लगवा देती हूँ। पिछली दफा भी आप नाश्ता किए बगैर चले गए, मुझे कितना बुरा लगा, आपने एक दफा भी। शट अप आनिया, आखिर तुम चाहती क्या हो, क्या प्रूव करना चाहती हो, हाँ बोलो, जवाब दो, पूछ रहा हूँ कुछ तुमसे। मैं क्या साबित करूंगी, साबित तो हो चुका है ना, तंसीला को यकीन भी आ चुका है कि दो रातें आपने इस घर में अकेले मेरे साथ गुजारी हैं। नहीं, झूठ है, झूठ है, ये सब तुम्हारा बनाया हुआ जाल है जिसमें मैं नहीं फंसूंगा। आनिया, आनिया, तुम ये सब क्यों कर रही हो, क्या हासिल होगा तुम्हें सब कुछ करके? मैं आपको हासिल करना चाहती हूँ, आपको पाना चाहती हूँ, मोहब्बत ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। और इन खुशियों का अजाला नहीं करेगा, आपकी मोहब्बत कर्जदार है मुझ पर, उसका कर्ज तो चुकाना पड़ेगा आपको, और मेरी खुशियों का अजाला आप मुझसे शादी करके करेंगे। भूल है ये तुम्हारी आनिया, भूल है, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं। आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी, इस दफा मुझसे शादी जरूर करेंगे, मैं नहीं छोड़ूंगी आपको। आतेर के ऑफिस में पहुंचने से पहले वो लिफाफा उसके ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए, समझे तुम? मैं देखती हूँ मुझसे शादी कैसे नहीं करेंगे। क्या आपने घर दुकान बेच दी? क्या करते, पैसों का बंदोबस्त तो करना था ना। लेकिन अब आप और बिलाल कहाँ रहेंगे, कैसे गुजारा होगा? अल्लाह मालिक है, वैसे मैंने एक छोटा सा फ्लैट ले लिया है, बाकी बंदोबस्त कोई ना कोई हो ही जाएगा। अम्मी आप परेशान मत हो, एक बार मैं इस जेल से बाहर आ जाऊं, देख लूंगी सबको। आतेर ने मुझे तलाक दे दी, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी मुझे हक मेहर में घर और पैसा देना होगा। तकलीफ के दिन कट जाएंगे, मैं खुद आपको एक अच्छा और बड़ा घर लेकर दूंगी। जरूर, इंशाल्लाह। आप फिक्र मत करें, आपकी बेटी सिर्फ इन सलाखों के पीछे आई, मरी नहीं। तुम अपना ख्याल रखना, फिर आऊंगी। मैं आपको हासिल करना चाहती हूँ, आपको पाना चाहती हूँ, मोहब्बत ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। आपकी मोहब्बत कर्जदार, उसका अजाला नहीं करेंगे,
उसका कर्ज तो चुकाना पड़ेगा आपको, और मेरी खुशियों का अजाला आप मुझसे शादी करके करेंगे। हेलो, कैसा लगा मेरा तूफान? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी घटिया निकलोगी। वानिया, मैं तुम्हें क्या समझता रहा और तुम क्या निकली? इतना गुस्सा, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? मैं तो बस उन लम्हों को कैद करना चाहती थी जो हमने साथ गुजारे, तो मैंने उन्हीं लम्हों को इन तस्वीरों में कैद कर लिया। मुझे तो लगा आप देखेंगे और आपको बिताए हुए लम्हे याद आएंगे और आप दौड़े दौड़े मेरे पास चले आएंगे। अपनी बकवास बंद करो। हाँ, तुम्हें क्या लगता है इन तस्वीरों से तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी? मुझे इन तस्वीरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें जो करना है कर लो। आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हो सकता है किसी ना किसी को फर्क पड़े। बल्कि मुझे यकीन है कोई तो होगा जो इन तस्वीरों में कैद लम्हों को बर्दाश्त ना कर पाए, और वो कोई भी हो सकता है। आपकी मामा, आपके ऑफिस के लोग, आपके दोस्त वगैरह वगैरह, या फिर तंजीला। लेकिन वो कोट, वो खुशबू, उसे कैसे भूल जाऊं? औरत शौहर की हर ज्यादती बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपनी जिंदगी में दूसरी औरत का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं, इस दफा इनके आपस की झगड़े की वजह तुम नहीं, कोई और ही है। कोई और कौन हो सकता है मामा? यही तो मालूम करना है।